Mr. English. So guys, one more time I am with you. So today we will learn homophones. Homophones होते क्या हैं? The word which pronounced same means सुनने में तो बिल्कुल same होता है. But जो उसकी spelling होती है और meaning होते हैं बिल्कुल different होते हैं. For example, sun and sun. ये वाला sun S O N और S U N दोनों की स्पेलिंग अलग है, सुनने में बिल्कुल सेम लग रहे हैं, बट जो इसके मीनिंग है बिल्कुल ही डिफरेंट है. जो सन S O N वाला होता है वो बेटा होता है और S U N वाला होता है सूरज. फॉर मोर एग्जांपल सी, सुनने में आपको बिल्कुल सेम लगा, स्पेलिंग इन दोनों की डिफरेंट, मीनिंग इन दोनों की डिफरेंट. इस वाले मीनिंग का मतलब, इस वाले सेंटेंस के मीनिंग का मतलब होता है समुद्र और सी देखना. गाइस, जो भी मैं आपको भी वर्ड सिखाऊंगी वो आपने अच्छी तरह समझने हैं और उससे आपको होमोफोन्स बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे. सो गाइस, लुक एट द फर्स्ट वर्ड स्वीट. स्वीट सुनने में एकदम सेम है, स्पेलिंग एंड मीनिंग बहुत अलग है. स्पेलिंग एस यू आई टी ई स्वीट, इसका मतलब होता है होटल रूम. और एस डब्ल्यू डबल ई टी का क्या मतलब होता है? मीठा. होल होल एच ओ एल ई, इस होल का मतलब होता है एक छेद. और एच डब्ल्यू एच ओ एल ई वाले का मतलब होता है सारा. स्टीयर स्टीयर एस टी ए आर ई स्टीयर, इसका मतलब है घूरना. और एस टी ए आई आर हमारी सीढ़ियां. लेसन लेसन एन ई डबल एस ई एन, इसका मतलब होता है रिड्यूस. और एन ई डबल एस ओ एन वाला होता है आपका चैप्टर. स्टोरी स्टोरी एस टी ओ आर वाई स्टोरी होती है, जैसे आपकी बुक में होती है ना कई कई स्टोरीज वो. और एस टी ओ आर ई वाई स्टोरी, इस वाली स्टोरी का मतलब होता है मंजिल. एक बार दोबारा देखेंगे प्लीज. स्वीट स्वीट, होल होल, स्टेयर स्टेयर, लिसन लिसन, स्टोरी स्टोरी. सो गाइस, अनदर वर्ड इज सोल, एस ओ यू एल एंड एस ओ एल यू. एस ओ यू एल वाले का मतलब होता है हमारी आत्मा और एस ओ एल यू वाला होता है जूते का तला. ब्रेक ब्रेक बी आर ए के ई, जब हम अपनी कोई भी व्हीकल की ब्रेक मारते हैं वो ये वाला ब्रेक होता है. और बी आर ई ए के वाला होता है तोड़ना. ट्रेक ट्रेक पी आर ई वाई एंड पी आर ए, ये फर्स्ट वाले का मतलब होता है शिकार करना और पी आर ए वाई का मतलब होता है प्रेयर करना. हर्ट हर्ट एच ई ए आर टी वाले का मतलब होता है हमारा जो बॉडी पार्ट में एक होल होता है वो वाला. और एच यू आर टी जब चोट लग जाती है. सो गाइस, टेस्टी टेस्टी टी ए एस टी वाई वाले का मतलब होता है पैलेटेबल एंड टी ई एस टी वाले का मतलब होता है चिड़चिड़ा. एंड ए टी ई इस वाले का ईट की ये होती है एक सेकेंड फॉर्म, जो हमने मींस पास्ट की बात हो रही है इसमें हम खा चुके हैं. और ई आई जी एच टी वाले का मतलब होता है जब हम नंबर्स में लिखते हैं एट लाइक दिस. सो गाइस, आज आपने ये वाली वीडियो देखी होगी तो मैं आशा करती हूँ कि भी आपको ये पूरा अच्छी तरह समझ आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.